आज सुबह 9 बजे किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम, 5 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम। प्रयागराज में आज दोपहर 12 बजे दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि, श्री बागम्बरी मठ में ही दी जाएगी भू समाधि। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की आज बैठक, बैठक में चुना जाएगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष। बलवीर गिरी होंगे महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी, महंत ने अपनी वसीयत में बलवीर गिरी को घोषित किया है उत्तराधिकारी। महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड नोट में सुलगते सवाल, दो रंग की सीआई का इस्तेमाल, दो तारीखें लिखी हुई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एक और खुलासा, पुलिस पूछताछ में शिष्य आनंद गिरी ने बताया दुकान बेचने को लेकर दोनों में थी अनबन। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में मठ के 11 लोगों की तलाश, पुलिस की चार टीमें दे रही हैं दबिश, मामले की पड़ताल के लिए 18 सदस्य एसआईटी का गठन। जी हिंदुस्तान के पास महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की एक्सक्लूसिव कॉपी, शिष्य आनंद गिरी को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। महंत नरेंद्र गिरी ने 8 पेज की सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मेरी मौत के लिए आनंद आद्यव, प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जिम्मेदार। सुसाइड लेटर में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैं आनंद गिरी के कारण बहुत परेशान हो चुका हूं, किसी महिला के साथ मेरी आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने की दे रहा धमकी। सुसाइड लेटर में नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि मैं बदनामी के साथ कैसे जी पाऊंगा, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, प्रयागराज पुलिस मेरी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। 13 सितंबर को ही आत्महत्या करना चाहते थे नरेंद्र गिरी, सुसाइड नोट में किया जिक्र, खुदकुशी करने की नहीं हुई हिम्मत। महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी, आदित्य तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिपाही अजय सिंह को भी लिया हिरासत में। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, संपत्ति को लेकर था विवाद, पुलिस ने आनंद गिरी का मोबाइल फोन जब्त किया, आज कोर्ट में पेशी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशा नंद गिरी ने भी श्रद्धांजलि दी। महंत मौत मामले में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का बयान, कहा नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है, यूपी में संतों के खिलाफ रचा जा रहा है षड्यंत्र। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद किन्नर अखाड़े में भी शोक की लहर, किन्नर अखाड़े ने की सीबीआई जांच की मांग। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद जी मीडिया की टीम पहुंची उनके गांव, परिजनों ने संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग। ओम प्रकाश राजभर ने जी मीडिया से की खास बातचीत, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर जांच की मांग करते हुए जताया दुख। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई पिटीशन, हाईकोर्ट से वकीलों ने की सीबीआई जांच की मांग। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सियासत गरमाई, शिवसेना ने नरेंद्र गिरी की मौत की तुलना पालघर में साधु की लिंचिंग से की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कांग्रेस का यूपी सरकार पर हमला, कहा योगी राज में संत भी सुरक्षित नहीं। आज अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद, पीएम मोदी 3 बड़ी समिट में लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी, अमेरिका के शीर्ष सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। 24 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन की वॉशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, निवेश और सुरक्षा के मुद्दे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत, आतंकवाद और चीन पर भी दोनों नेताओं के बीच होगा संवाद। 24 सितंबर को ही क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड समूह की बैठक की करेंगे मेजबानी। 25 सितंबर को होगा यूएनजीए में पीएम मोदी का भाषण, भारत की स्थायी सदस्यता की भी करेंगे मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से की मुलाकात, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रमों को लेकर भी चर्चा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर को एयर मार्शल बी आर चौधरी संभालेंगे नई जिम्मेदारी, 30 सितंबर को मौजूदा वायुसेना अध्यक्ष आर के एस भदौरिया होंगे रिटायर। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश जारी, उरी सेक्टर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं बंद, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर की गई तोड़फोड़, मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के घर पर धरना प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं ने ओवैसी पर हिंदू विरोधी बयान देने का लगाया। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन, 130 एमएम तोपों और K9 ब्रज से थर्राया रेगिस्तान। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई रद्द, कारण बना पाकिस्तान का तालिबान प्रेम।
25 सितंबर को होने वाली थी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, पाकिस्तान तालिबान को शामिल करने की जिद पर अड़ा था। अफगानिस्तान में तालिबान के अंतरिम सरकार में नए मंत्री उपमंत्री बढ़ाए गए हैं, आर्थिक टीम का भी विस्तार किया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आर्थिक संकट, 150 से अधिक मीडिया आउटलेट बंद। तालिबान की गुटों में आंतरिक दरार उभरने की साइड इफेक्ट, मुल्ला बरादर को बंधक बनाने और हेबतुल्ला अखुंदजादा की मौत की खबर। ताइवान पर कब्जे की धमकी देने वाले चीन का झूठ, यूएन में शी जिनपिंग बोले चीन ने कभी दूसरे देश पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की है, ना करेगा। एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री को कोविशील्ड के मुद्दे पर दी जवाबी कार्यवाही की चेतावनी, कहा शीघ्र करे समाधान। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का आज से यूपी दौरा शुरू, धर्मेंद्र प्रधान के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्री और सांसद भी पहुंचेंगे लखनऊ। यूपी के पार्टी मुख्यालय पर होगी संगठनात्मक बैठक, आगामी चुनाव की रणनीति और तैयारी को लेकर होगी चर्चा। यूपी के संभल में योगी आदित्यनाथ का एसपी पर बड़ा हमला, एसपी को महिला विरोधी और हिंदू विरोधी बताया। संभल में सीएम योगी ने कहा यहां पर कुछ लोग तालिबान का समर्थन करने वाले, तालिबान की बर्बरता किसी से छिपी नहीं। यूपी के मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में सियासी सरगर्मियां तेज, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की शिवपाल यादव से मुलाकात। पटना में आरजेडी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, आज पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधन। और आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल से होगी मुलाकात।